साथियों नमस्कार। साथियों यदि आप CSP चलाते हैं, किसी भी बैंक के CSP चलाते हैं यदि आप, तो आपके सामने कभी कभी जब सक्सेस का मैसेज नहीं आता है तो उसके बाद कुछ अदर मैसेज आते हैं आपके पास। उन अदर मैसेजों का क्या मतलब होता है, जैसे इनसफिशिएंट फंड हुआ, चेक योर बैंक या कुछ और चीज़ें लिख करके आते हैं, ट्रांजेक्शन फेल, तो उसके क्या मतलब होते हैं, आप ग्राहक को क्या बताते हैं, इसके बारे में मैं आपके कुछ आप लोगों के द्वारा जो हमारे पास भेजे गए हैं कि इसका क्या मतलब होगा, उसको मैंने एक चार्ट के माध्यम से समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूं कि उसके क्या मतलब होते हैं हिंदी में। तो इसको यदि आप जान लेंगे तो आपको काम करना काफ़ी आसान हो जाएगा। जैसे मैंने उदाहरण के तौर पर यहाँ लिखा हुआ है, अप्रूव मतलब राशि निकालने पर आता है, इनसफिशिएंट फंड मैंने अकाउंट में राशि नहीं है यानी पैसा कम है, ट्रांजेक्शन नॉट परमिटेड फॉर कार्ड होल्डर यानी जो है काफ़ी समय से इस अकाउंट पर लेन देन नहीं किया गया है, ये अकाउंट को रोक दिया गया है। तो इस टाइप से बहुत सारे मैसेजेस हैं जिसके बारे में जानना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो कन्फर्म है कि आपको बहुत सारी इस टाइप के मैसेजों के मतलब और जानकारी आपको मिल जाएंगे। इस टाइप से रेगुलर जो है और भी जो मैसेज आते रहते हैं उस पर मैं वीडियो बनाता रहता हूँ आपके लिए टाइम टू टाइम, तो आप और देख लें कि क्या है मतलब इसके। कि देखिए यहाँ पर जो है मैंने लिखा, ट्रांजेक्शन नॉट परमिटेड फॉर कार्ड होल्डर यानी काफ़ी समय से अकाउंट उपयोग में न होने के द्वारा अकाउंट को रोक दिया गया है। उसके अलावा देख सकते हैं कि बायोमेट्रिक डाटा डिड नॉट मैच, इसका मतलब होता है आधार से फिंगर प्रिंट जो फिंगर लगा रहे हैं वो मैच नहीं कर रहा है, यानी जो आपकी आंख की रेखाएं हैं वो रेखाएं आपके आधार से अब मैच नहीं कर रही हैं। इसके अलावा ट्रांजेक्शन नॉट परमिटेड टू कार्ड होल्डर यानी काफ़ी समय से अकाउंट उपयोग में न होने के दौरान बैंक द्वारा जो है उस अकाउंट को रोक दिया गया है, यानी जो लोग काफ़ी देर से जो है आधार कार्ड से पैसा नहीं निकाल रहे हैं उनके लिए भी ये दिक्कत आती है। नो चेकिंग अकाउंट, संबंधित बैंक में आधार कार्ड लिंक ना होना यानी आधार कार्ड आपका आप लिंक अगर नहीं है तो नो चेकिंग अकाउंट लिख करके आ जाता है तो आपको दोबारा आधार कार्ड डलवाना पड़ता है, से करना पड़ता है। इशू द इनऑपरेटिव, इसका मतलब आता है कि सर्वर में भी परेशानी है, सर्वर में कुछ दिक्कत है। इसके अलावा और भी मैसेजेस इस टाइप के अगर आपके पास आते हैं तो आप हमारे YouTube के कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जिससे जो है मैं उसके बारे में आपको बता सकूं कि इसका क्या मतलब है और इसका क्या समाधान है। तो साथियों ये वीडियो आपको अगर पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने मित्रों में शेयर भी करिएगा, जिससे मैं जो है टाइम टू टाइम आपके द्वारा जो भी दिक्कतें आती हैं जिस बैंक की उसके बारे में मैं जानकारी करके जो है आपको बता सकूं। साथियों इस वीडियो में इतना ही, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने मित्रों में भी शेयर करिएगा। साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।